हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट बेस। उस चॉकलेट बेस से आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्ड के आइसक्रीम्स बनते हैं, लाइक रॉकी रोड्स, हेजलनट। उसमें हम इनोवेशंस करेंगे, पर सबसे पहले हम उसका बेस तैयार करेंगे। उस बेस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो हैं ग्रैनुलेटेड शुगर, कोकोआ पाउडर 3 टेबल स्पून। जो ये कोकोआ पाउडर है मैंने वैन होटेन कंपनी का लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट कंपाउंड 50 ग्राम्स है हमारा। कॉर्नफ्लावर 1/2 टेबल स्पून है हमारा। जो मिल्क पाउडर है वो 30 ग्राम्स है हमारा। ये मैंने नेस्ले ब्रांड का लिया, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क जाएगा हमारा 280 ग्राम्स। जो मिल्क है मैंने वो फुल फैट मिल्क लिया है, जो ये रेड वाले पैकेट्स आते हैं अमूल के, विरका वीटा कुछ भी। और कंडेंस मिल्क हमारा जाएगा 80 ग्राम्स। जो कंडेंस मिल्क है वो भी हमारा नेस्ले ब्रांड का है। और साथ में जाएगा सी एम सी एज अ प्रिजर्वेटिव, या ये कह लो कि एक एजेंट का काम करता है कि जो आपके जो आइसक्रीम होता है उसको मेल्ट होने से रोकता है, यानी कि बहुत जल्दी मेल्ट होने से उसको एक स्टेबिलिटी देता है कि स्टेबल है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अपना एक बाउल, बाउल में हम डालेंगे अपना मिल्क, उसके साथ उसमें जाएगा शुगर, साथ में जाएगा कोको पाउडर, हमारा मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर। जो कंडेंस मिल्क है वो जब ये पक जाएगा उसके बाद डालेंगे, और जो चॉकलेट है ये थोड़ा सा मिक्स होने के बाद इनको डालेंगे हम। इसको अभी मैंने गैस फ्लेम ऑन नहीं किया, जैसे इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई लम्प्स ना रहे इसमें। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बॉयल आने तक कुक करेंगे, और इसको कंटिन्यू चलाते रहे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। अभी हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपनी चॉकलेट्स जो हमने ली थी डार्क कंपाउंड, और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से बॉयल आने तक। इस रेसिपी से आपको अराउंड 1 लीटर के करीब आइसक्रीम तैयार मिलेगी, जिसमें अभी हमारे व्हिपिंग क्रीम भी जाएगी। व्हिपिंग क्रीम जाएगी 200 ग्राम्स हमारी इसमें, और अगर हम उसको केजी के हिसाब से देखें तो मोर देन 1/2 केजी आपका आइसक्रीम रेडी होता है, आइसक्रीम बेस। ये हमारा मिल्क बॉयल हो गया है, इसको बस अब 30 सेकेंड हमें और कुक करना है, और फ्लेम करेंगे हम ऑफ अब, और इसको कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे ये जमे ना। इसमें हम अपना डालेंगे कंडेंस मिल्क। जो इनके इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी ताकि आपको इजी रहे। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स हम, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मीनवाइल हम अपनी व्हिपिंग क्रीम को पीक्स आने तक, या ये कहिए कि उसको व्हिप कर लेते हैं अच्छे से सॉफ्ट पीक आने तक। हमारा जो मिल्क वाला बेस है जो हमने अभी बॉयल करके रखा था वो इतने ठंडा हो रहा है रूम टेम्परेचर पे, इतने हम अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लेंगे। ये 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम है जो चिल्ड है, मैंने फ्रीजर से निकाल के इसको 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और तब लिया है। इसको हमें 5 to 7 मिनट्स व्हिप करना है सॉफ्ट पीक होने तक, फुल उसमें फुल स्पीड में। आफ्टर 5 मिनट्स हमारी ये हो गई है, ये हल्की सी बेंडिंग है, और इसी स्टेज पर हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें इसकी स्टिफ पीक नहीं चाहिए। अब हम अपना चेक करते हैं कि हमारा मिल्क बेस हुआ है ठंडा या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्रीम व्हिप हो गई है, और ये जो हमारा मिल्क बेस जो हमने बनाया था चॉकलेट का, ये ठंडा हो गया। अब इन दोनों को करेंगे हम मिक्स। इसमें डालेंगे हम अपना सीएमसी पाउडर जो है 1/4 टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करना ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। अब इसको मैं करूंगी एक बार विस्कर से विस्क। ये हो गया अब हमारा अच्छे से मिक्स।
हमने अपना चॉकलेट बेस तैयार कर लिया था, अब हम उस चॉकलेट बेस से बना रहे हैं अपनी रॉकी रोड आइसक्रीम। रॉकी रोड आइसक्रीम के लिए आपको चाहिएगा 250 ग्राम आपका चॉकलेट बेस जो हमने बनाया था, उसके साथ आपको चाहिएगा 15 ग्राम ऑफ कैश्यू जो चॉप किए हुए हैं और रोस्टेड हैं, साथ में 10 ग्राम आपके जाएंगे वॉलनट्स, वो भी चॉप किए हुए हैं और रोस्टेड हैं हमारे, साथ ही जाएगा 1 टेबल स्पून हमारा ये बटर स्कॉच क्रंच, और साथ में जाएंगे आपके चोको चिप्स। अगर आपके पास चोको चिप्स नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट को कट करके भी डाल सकते हैं। साथ में जाएंगे हमारी फ्यू जेम्स, 1 किटकैट और फ्यू मार्शमेलोज, ये सब वेजिटेरियन मार्शमेलोज हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे अपना वनीला एसेंस जो ओशोरो ब्रांड का स्विस वनीला एसेंस है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे अपने सारे चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स, देन हमारे चोको चिप्स, स्कॉच नगेट्स, मार्शमेलो को आप छोटा छोटा तोड़ के डाल सकते हैं, किटकैट को, साथ में हमारे फ्यू जैम्स, और साथ में हमारा ये जाएगा वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। इन सबको करेंगे हम अच्छे से मिक्स, और सेट होने के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट। ये आइसक्रीम आगे फुली लोडेड है चॉकलेट्स मार्शमेलोज एंड ऑल। इसको करेंगे हम हल्का सा टैप, और इसको करेंगे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज या ओवरनाइट फ्रीज, और इसको आपको एयरटाइट कंटेनर में ही रखना है ताकि इसमें कोई क्रिस्टल्स ना आए आइस के। अब इसको मैं दिखाती हूँ आपको फ्रीज होने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी रॉकी रोड आइसक्रीम बिल्कुल फ्रोजन हो गई है, जम गई है, ओवरनाइट मैंने इसको रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल क्रीमी है, बहुत ही यमी है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत क्रीमी है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो रेसिपी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू।